तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस आ चुके हैं न्यू वीडियो में और इस टाइम पे मेरा स्कोर देख सकते हो कि 51,047 है और मैं टॉप 63 नंबर पर हूँ। चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी के टाइम पे मैं रीजन पर 63 नंबर पर हूँ। तो देख सकते हो कि मैं 63 ही नंबर पे हूँ, लेकिन आपको अभी के टाइम में जो वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, वो 2 दिन के पहले का है। तो अभी मेरा स्कोर गिर के भाई 66 नंबर पे आ चुका है। यहाँ पर देखो तो भाई, मैं अभी के टाइम में ओनली सोलो ही खेल रहा हूँ और सोलो पे ही ग्रैंड मास्टर पुश किया हूँ, जो भाई रीजन पे आपने देखा था अभी के टाइम। तो चलो यार, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं दिखाते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना कैसे वेपन ग्लोरी टाइटल लगाएं। एक बात और कि वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको पूरा फुल डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा भी कैसे आप वेपन ग्लोरी टाइटल में अपना लगा सकते हो इंडिया पे। डिटेल से बोले तो भाई यार, आपको पूरा प्रैक्टिकल और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कितना बॉडी, कितना हेड मारना पड़ेगा और कितना किल करने पड़ेगा जिससे आप इंडिया पे लगा सकते हो अपना वेपन ग्लोरी टाइटल। तो यार चलो, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। Don't underestimate the power of Tonka Super. तो यार, इस वाले गेम प्ले में हम कवर करने वाले हैं M10 और M14 का 1 हेडशॉट किल और 1 बॉडी शॉट किल, और फिर देखेंगे कि हमको कितना वेपन ग्लोरी स्कोर मिलता है। और भाई बोला जाए तो यह एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करना इसलिए जरूरी है कि भाई बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, किल नहीं कर पाते ना, जिससे भाई उनका वेपन ग्लोरी नहीं बढ़ पाता। तो यार, इस वाले गेम प्ले में देखेंगे कि एक हेड और एक बॉडी मार कितना ग्लोरी मिलता है, मतलब बोला जाए तो एक हेड और एक बॉडी 2 किल करके। एक बात और यहाँ पर कि मैं आपको एक गन का ही बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरे गन पे अप्लाई होगा। तो चलो यहाँ पर देखो कि एक बंदा है और भाई मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ और इसको मारूंगा, तो शायद इसके पास M14, तो मेरे को M14 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो बंदा बैठा और इसको हेडशॉट मारा और भाई देखो कि इसके पास M14, चलो M14 उठा लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पर M10 का जरूरत है, तो मैं M10 ढूंढूंगा, लेकिन यहाँ पर सामने फाइट हुआ था दिखाई दे रहा, तो मैं इसको मारूंगा। एक बात की मैं इसको यहाँ पर हेड मारने की ट्राई करूंगा, तो चलो M14 यहाँ पर देखो एकदम हेड नंबर पड़ा। अब देखो यहाँ पर M14 का 1 किल हो चुका है और मेरे को सामने यहाँ पर बंदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेड़ के पीछे, तो मैं इसको M14 का बॉडी शॉट मारूंगा और देखते हैं भाई कितना प्लस मिलता है, मतलब M14 का ग्लोरी। तो चलो यार, इस वाले गेम में M14 का पूरा हो चुका है और M10 का करेंगे। तो मेरे पास तो M10 है और यहाँ पर देखो फाइट हो रहा है 2 बंदे का। अब ट्राई करेंगे यहाँ पर एक बंदे को M10 का हेड मारने की और बॉडी शॉट मारने की। चलो देखते हैं यार कि अब हो पाया नहीं मेरे से। तो यहाँ पर देखो बंदा है सामने, पर मुझे को नीचे जाना पड़ेगा एक बंदा, क्योंकि नीचे चला गया है। चलो यार, यहाँ बंदा बहुत तगड़ा डैमेज है, लेकिन मैं इस बंदे को हेडशॉट नहीं बॉडी शॉट मारूंगा, क्योंकि भाई मेरे को तगड़ा बंदा लग रहा है, शायद हेडशॉट मारने के चक्कर में मेरे को ही ना मार दे। शायद ये बंदा एक गोली का ही बचा है, तो इसको मैं फिनिश करूंगा। यहाँ पर ये बंदा गया और एक बंदा ऊपर है, चलो इसको हेडशॉट मारेंगे। और शायद बंदा यहाँ पर देखो ये सामने है, तो इसको मैं एक शॉट मारा, लेकिन भाई इसमें हेड कनेक्ट नहीं हो रहा, बंदा अपने आप को ग्लू गन पैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं उसके पास धारा धुआं छोड़ के बंदे को मारने ट्राई करूंगा और बंदा नीचे जंप किया और देखो कि मैंने इसको एकदम हेड मार दिया। अब बोला जाए तो इस वाले गेम में मेरा पूरा हो चुका है 1 बॉडी शॉट 1 हेड। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर मैं एलिमेंट होऊंगा गाड़ी से और देखते हैं कि मेरा यहाँ पर कितना वेपन टाइटल, मतलब ग्लोरी मिलता है। तो चलो यार, फाइनली मैं इस गेम में एलिमेंट हो चुका हूँ और यहाँ पर देखो इस बंदे को लाइक करते हैं और देखते हैं कि हमको कितना वेपन ग्लोरी मिलता है। अब यहाँ पर अपने राइट साइड पे देखो कि मेरे को M14 का 60 मिला और M10 का भी 60 मिला, मतलब एक हेड और एक बॉडी में मेरे को इतना ही मिला। तो यहाँ पर मेरे को M14 और M10 का 20 कम प्लस मिला है, तो शायद मेरे को लग रहा है 2 हेड मारेंगे उसके बाद फुल प्लस शायद दे दे। चलो भाई लोग, अब मैं आ चुका हूँ दूसरे गेम प्ले में। तो ब्लूजन बहुत दूर था, तो मैं सोचा चलो यहाँ पर एयरशिप में M14 मिल ही जाता है, तो यही लैंड करते हैं। और यहाँ पर देखो कि बहुत सारे बंदे लैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे बंदे मेरे को यह बोल रहे होंगे कि भाई तुम नुबड़े आईडी में क्यों खेल रहे हो, तुम्हारा मेन आईडी किधर गया। तो यार, जो मेरा मेन आईडी है, मैं उसमें नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि वो जो होनर स्कोर है बहुत ही डाउन है। और मेरे को पता नहीं कि आपने कल जो मैंने वीडियो डाला था DCM भाई को, उसको देखा या नहीं देखा, जो होनर स्कोर के बारे में था और कुछ प्लस के बारे में था। अगर नहीं देखे हो गए तो जाके प्लीज भाई एक बार देख लो, क्योंकि भाई वो वीडियो हमारे सोलो प्लेयर लोग के साथ के जो नाइंसाफी हो रहा है उसके बारे में है। तो यार, मैं आपको रियली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो आप जरूर जाके देखो और एक बार जरूर ही देखना, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि सोलो प्लेयर भाई बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है और भाई सोलो प्लेयर का अभी भी काटा जा रहा है। तो यार, मैं प्लीज बोलूंगा कि एक बार जरूर ही देखना और जरूर 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 से जरूर देखना भाई। यार, यहाँ पर मैं आप लोग को ज्यादा ही बोल दिया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखो कि मैंने अभी 3 किल कर दिया है और अभी तक मेरे को M14 मिला ही नहीं है। तो भाई, मैं M14 की तलाश में तो आया था यहाँ पर एयरशिप पे, लेकिन मेरे को M14 मिला ही नहीं। यहाँ पर एक बात और कि मैं आपको डायरेक्टली मतलब M14 का किल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं तो मेरा जो किल है वो भाई बहुत सारा है, इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने M14 में कब मारा और कब M10 मारा, जिसके चलते मैं भाई आपको फुल गेम प्ले दिखा रहा हूँ शुरू से। तो यार, अभी आप एक चीज नोटिस करके रखना कि जो मेरा किल हो कितना है, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने M14 में कितने बंदे मारे और M10 में कितने बंदे मारे। एक बात और कि इस वाले गेम प्ले में हम यही कवर कर रहे हैं कि 1-2 हेडशॉट मारे M14 का और 2 M10 का हेडशॉट मारे, और ऐसा इसलिए हम कवर कर रहे हैं कि हमको देखना है कि
एक मतलब दो हेड मारने पे कितना वेपन ग्लोरी मिलता है। और अगर भाई अभी तक आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एक बात की जो समझदार है जो समझ रहे हैं वही वीडियो को एंड तक देखे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर एक बंदा और मेरे को M40 मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर किल करूंगा इसको हेडशॉट मारकर। एक बात और भाई की इस वाले गेम प्ले मेरे को दो ही हेड मारना है, तो यहाँ पर मैं पहला हेड मारूंगा इसको, तो देखो कि इसको एकदम हेड नंबर मारा। अब चलो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, तो मैं इसको M40 का सीधा हेड मारूंगा। तो ये बंदा तो मेरे छुप रहा है, इसके पास जाना पड़ेगा और इसको हेड मारना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर खड़ा है बंदा और इसको डायरेक्ट हेडशॉट मार दिया। यहाँ पर चलो मेरा M40 का दो किल हो चुका है इस गेम पे, तो इस गेम का टास्क पूरा हो चुका है M40 का। अब यहाँ पर मेरे को M10 की तलाश है, तो मैं लूट बॉक्स चार्ज करूंगा क्योंकि मेरे पास 700 टोकन है, शायद इसने में यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अगर भाई आप M10 और M40 चलाते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बहुत सारे टोकन है तो आप लूट बॉक्स चार्ज करो, क्योंकि भाई आपको लूट बॉक्स में M40 और M10 मिल ही जाना है। एक बात और कि आपको स्टार्टिंग में ही M40 और M10 चाहिए तो आपको ब्लू जोन जाना पड़ेगा उसके लिए। चलो फाइनली यहाँ पर तो मेरे को M10 मिल चुका है, तो इससे मेरे को दो हेड मारना है और देखना है भाई कि कितना वेपन ग्लोरी मिलता है। देखो कि यहाँ पर मेरे को एक बंदा मिल जाता है, तो मैं इसको M10 का सीधा हेड नंबर मारूंगा। और चलो चलते हैं, देखते हैं मार पाते या नहीं मार पाते। ये बंदा तो मेरे को थोड़ा नूब लग रहा है, इसको तो भाई मैं खड़े होकर एम ले सकता हूँ, तो चलो लेते हैं। और देखो भाई वो बंदा उसको किया और इसको भाई धड़ाक से हेड मार दिया, और भाई इसको क्लियर लेंगे M40 से। ये तो भाई सुई लगा रहा है, तो इसको मैं तुरंत क्लियर ले लिया। और देखते हैं यहाँ पर मेरे को एक और हेड मारना है, तो यहाँ पर एक बंदा मेरे को दिखाई देता है छत के ऊपर। और आप लोग ज्यादा बोर नहीं होगा इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिखा रहा हूँ। तो इस बंदे को एक हेड लगा और एक बंदे को पूरा डायरेक्ट हेड लगा, तो इसके पास सोनी एक्टिवेट पर बंदा देखते हैं मर, चलो बंदा मर गया। अब चलो यहाँ पर मेरे को एलिमिनेट होना पड़ेगा, तो मेरे पास ग्रेनेड बहुत सारे हैं और मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाऊंगा। अभी 4 ग्रेनेड बचे हैं, तो मैंने ग्रेनेड यहाँ पर डाल दिया है, बम फटे तो मैं फटूंगा। चलो यहाँ पर तो हम एलिमिनेट हो गया, और देखते हैं भाई इसको पहले लाइक कर देते हैं, नहीं तो भाई बोलेगा भाई कौन बंदा आ गया लाइक नहीं किया। इसको लाइक कर दिया और बाइक करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर मेरे को M40 देख सकते हो 70 मिला और M10 का भी 70 मिला। और MP5 का मैंने दो हेड मारा था, तो मेरे को यहाँ पर MP5 का भी 70 मिला, मतलब हेड शॉट पे ओनली 70 मिल रहा है, यहाँ पर 10 प्लस कम मिल रहा है। तो चलो यार तीसरा गेम है, और इस वाले गेम पर मैं सोच के आया हूँ कि 3 बंदे मारूंगा और तीनों को बॉडी शॉट मारूंगा और देखेंगे कि हमको फुल वेपन ग्लोरी मिलता है या हाफ मिलता है। तो मेरे को सामने बंदे दिखाई दे रहे हैं और मैं इन पर रश करूंगा, बट यहाँ पर मेरे पास M40 और M10 नहीं, तो छोटू गन से काम चलाना पड़ेगा। और इस कार है, तो यहाँ पर मैं बंदों को काफी हद तक डैमेज करने का प्रयास किया, लेकिन एक बंदा पीछे है, इसको मैं 2 शॉट मारा छोटू गन का, यहाँ पर ग्लूबल लगाया और मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। और भाई मैं आपको पहले भी बोला और भी बोल रहा हूँ कि मैं फुल गेम प्ले आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा किल है वो आपको क्या बोलते कंफ्यूज ना करे कि यहाँ पर बोला जाए तो मैंने किस किस गन से मारा आपको वो दिखना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे भाई आप ज्यादा किल कर दिए हो तो आपको ऐसे में समझ नहीं आएगा ना। इसलिए मैं आपको फुल हाफ कट गेम प्ले दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आए कि मैं किस गन से मारा और किस गन से नहीं मारा। तो यार यहाँ पर एक बंदा है और भाई ये उधर उधर भाग रहा है, इसके पास M10 है, तो मेरे को इसके पीछे जाना पड़ेगा और भाई इसको मारना पड़ेगा इसका M10 लेने के लिए। चलो इसको मार दे, इसका सोनिया एक्टिवेट, और भाई ये दिमित्री लगा लिया, कोई बात नहीं, चलो डाउन हो गया, इसको क्लियर करेंगे। चलो यार इसको फाइनली हम तो क्लियर कर दिया। अब इसका M10 उठाएंगे और देखेंगे कि हम 3 बॉडी मारेंगे तो हमको फुल प्लस मिलता है कि नहीं, जो वेपन ग्लोरी होता है। अब यहाँ पर देखना कि मैं नीचे से लूट के ऊपर आता हूँ, तो मेरे को एक बंदा दिखाई देता है और भाई ये मेरे पे सीधा रस कर देता है, लेकिन मैं इसको M10 का पूरा भर देता हूँ। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो कि ये बंदा नीचे के बंदे जैसा लगा कि नहीं, सेम सोनियो सेम दिमित्री भाई और सेम बंडल। तो चलो छोड़ो यार, यहाँ पर देखो कि मैंने M10 का एक किल कर लिया, अब मेरे को 2 ही किल करना है। अब यहाँ पर देखो कि एक बंदा है जो मेरे को लॉन्ग रेंज से फायर दिया और मेरे को शायद लग रहा है बंदा ग्रैंड मास्टर प्लेयर है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पास जो M10 था वो यो था और वो भी 4 लेवल का था, और यह जो बंदा था वो मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा था क्योंकि अभी देखो मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो तो बंदा उधर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन इसको क्या पता था कि मैं लाइन में लगा था तो बंदा लाइन मैन से फटा। और देखो कि अभी इस बंदे से मेरा कैसे फाइट होता है। चलो यह बंदा फाइनली डाउन, इसका ग्लूबल तोड़ के इसको क्लियर करेंगे क्योंकि हमारा M10 का दूसरा किल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मेरा नेट भी इशू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने M10 का रिलोड आया तो इस कार से मार दिया। तो यार अभी भी मेरे को 2 ही किल चाहिए M10 का, तभी मेरा मिशन जो है कम्प्लीट होगा और देखें कितना वेपन ग्लोरी मिलता है। चलो यहाँ पर फाइनली मेरे को M40 भी मिल गया, तो भाई इसको उठा के 2 लेवल मैंने कर लिया। और सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, तो इसने मेरे को तगड़ा डैमेज दे दिया भाई पहले ही। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है बंदा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन भाई हम भी किसी से कम नहीं, हम भी बहुत ही खतरनाक है। तो इस पे देखो अभी मैं हिल करूँगा और सीधा रही रस करूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स दूंगा सोलो पे शॉर्ट रेंज फाइट। तो यार देखो यहाँ पर मैंने 2 ग्लूबल लगाए जिसमें मैंने अपना कवर बनाया फायरिंग करने का, तो मैंने सामने बंदे को एकदम हेड मारा और भाई यहाँ पर देखो मैंने बंदे को कुछ खास ज्यादा फायर करने का मौका नहीं दिया और बंदे को सीधा मैंने डाउन कर दिया। अब चलो भाई यार इसको हम यहाँ पर क्लियर लेंगे क्योंकि ये मेरा M10 का दूसरा किल हो जाएगा, लेकिन भाई यार बंदा तो फिर से डाउन हो गया और भाई ये M14 से डाउन हो गया, कोई बात नहीं M14 का मेरा पहला किल हो जाएगा ये बंदा। चलो यहाँ पर इसको क्लियर लेते हैं M14 से ही। तो भाई फाइनली मैंने इस बंदे को M14 से मार दिया और मेरा M14 का पहला
पहला किल है। अब मेरे को M14 से 2 किल और M10 से 2 किल करना पड़ेगा। तो सामने देखो एक बंदा है इस घर पे, और भाई मैं इस पे नेट डाल के सीधा रश कर देता हूँ। यहाँ पर देखो बंदा मस्त कवर बना के बैठा है, लेकिन ये जानता नहीं हम भी बहुत बड़े IQ प्लेयर हैं। चलो यार देखो किस वाले बंदे को मैं कैसे मारता हूँ। यहाँ तो मेरे को सीढ़ी से जंप करने को नहीं दे रहा, तो यहाँ पर मैं चढ़ के इसको M10 के सीधा भर दूंगा, दिख रहा है। तो चलो ये बंदा फाइनली यहाँ पर किल हो गया। अब मेरे को यहाँ पर M10 का 1 किल चाहिए और M14 का 2 किल चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि मैं जा रहा था और भाई मेरे को सामने मतलब लेफ्ट साइड में बंदा दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैंने तो इसको देखो कि बहुत तगड़ा हेडशॉट मारा है, तो मैं बंदा जोन पे एलिमिनेट होना चाहिए। और भाई चलो बंदा एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए M14 का 1 किल और M10 का 1 किल। तो भाई यहाँ पर सामने बंदा है और यहाँ पर मैंने इसको काफी हद तक डैमेज दिया, तो इस पर सीधा रश करेंगे शॉर्ट रेंज में और भाई M10 का किल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलूं तो ये बंदा मेरे को काफी हद तक सही प्लेयर लग रहा है, तो इसको तो भाई बॉडी बॉडी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि बंदा उस साइड से इस साइड पे आ जाता है, तो मैं इस पर सीधा रश करता हूँ, क्योंकि भाई जोन बहुत तगड़ा काट रहा है और ये बंदा जोन की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं इसको हेडशॉट मार के बॉडी शॉट मार दिया। और भाई यार इसका नाम देखो कि जय श्री राम है, तो भाई इसको दिल से जय श्री राम। और भाई यार इसका नाम राम है, तो मैं इसको मैं ही मारूंगा, क्योंकि भाई राम भाई राम होते हैं। चलो यार फाइनली यहाँ पर ये बंदा M10 से ही मारा, तो मेरा M10 का मिशन कंप्लीट हो चुका है 3 किल। और अब चाहिए मेरे को M14 का 1 किल। तो यहाँ पर देखो सामने बंदा है और इसको बॉडी बॉडी भर के मैंने 3 किल M14 का भी कर लिया। तो चलो यहाँ पर देखो कि गेम का लास्ट बंदा बचा है और मैं इसको छोटू शॉटगन से मारने का प्रयास करूंगा। और बंदा भाई ग्रेनेड कर रहा है, यहाँ पर देखो कि मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। और भाई चलो हम सीधा बैक करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या फुल प्लस मिलेगा। और भाई यहाँ पर देखो कि हमको फुल प्लस मिला, मतलब यार 3 किल करने पे फुल प्लस दे रहा है। मतलब यार बोले तो हमारा एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट निकल के आता है 3 किल पे। तो यार मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कि 3 किल आप करो, कुछ भी करो, बॉडी करो, हेडशॉट मारो, कुछ भी मारो, लेकिन 3 किल एक वेपन पे करो। यहाँ पर एक बात और कि यह एक गन पे नहीं सब गन पे अप्लाई होगा। तो यार फिक्स एंड फाइनल रिजल्ट है कि 3 किल करो, हेडशॉट मारो, बॉडी मारो, कुछ भी मारो, लेकिन 3 किल करो, ओनली 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 एक गन पे 3 किल। तो चलो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंग्लिश में बोला जाए तो बाय बाय।